उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हजारों बेरोजगार युवा सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी पीड़ा समझने के बजाय यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में असल दोषियों को बचाने का कार्य कर रही है। इसलिए अब प्रदेश के लाखों की संख्या में युवा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस युवाओं की आवाज बनने का काम कर रही है। इसके साथ ही कापड़ी ने कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ से सफाई होनी चाहिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला समय युवाओं के भविष्य के लिए और अंधकारमय होने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आयोग के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे को लेकर भी कहा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज प्रदेश का हर युवा, हर व्यक्ति ये चाहता है कि इसकी जांच हो और जो भी भ्रष्टाचारी हो जेल के पीछे। और आपने देखा कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधानसभा घोटाले में सबके नाम आपके सामने आपके माध्यम से आए हैं, तो हम कैसे राज्य सरकार की एजेंसी पे ये भरोसा कर लें कि वो अपने हुक्मरानों की गलेबान में हाथ डाल पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए।